गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर। आयनिक सॉलिड ए बी टाइप का होता है। ए बी टाइप में पढ़ेंगे NaCl टाइप, CsCl टाइप, ZnS टाइप, फिर सबका समरी में मैं बना दूंगा। फिर A2B टाइप, A2B टाइप में हो जाएगा Na2O एंटीफ्लोराइड। फिर Ab2 टाइप, तो CaF2, ये सब का हम लोग को पढ़ना है। क्या चीज़? स्ट्रक्चर देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं NaCl का स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। NaCl जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को पहले जान लेना पड़ेगा कि NaCl में दो तरह का आयन होता है, Na प्लस और Cl माइनस। दो तरह का आयन है। Na प्लस जो होता है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। ये क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और Cl माइनस जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक पे होता है। फेस सेंटर क्यूबिक पर, FCC पर। ठीक है, अब हम लोग को जानना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता कहाँ कहाँ है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है ये सेंटर ऑफ द बॉडी। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है? क्यूब के सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी प्लस ईच सेंटर ऑफ एज प्लस ईच सेंटर ऑफ एज। ये आपको जानना है। फेस सेंटर में क्या होता है? पॉइंट जो होता है कॉर्नर पे और कहाँ? ईच फेस पर। इसमें क्या होगा? कॉर्नर पर होगा, कॉर्नर एज वेल एज एज ईच फेस ऑफ द क्यूब। यही होना है ना? ये आपको जानना पड़ेगा। ये आपको आइडिया है तभी कर पाइएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हम लोग बनाते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर बना लिए। क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखिए कहता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है सेंटर ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ द बॉडी मान लीजिए ये लिए, और ईच सेंटर ऑफ एज मान लीजिए ये है, एज पर है। 12 एज है मेरे पास, नहीं 12 एज है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कौन एज छूट गया? ये वाला एज छूटा हुआ है और ये वाला एज छूटा हुआ है, 12 हो गया। तो नंबर ऑफ पॉइंट कितना हो गया है? केटायन कितना हो गया? देखिए ये तो Na प्लस है। नंबर ऑफ, तो यहीं पर ले लेते हैं, नंबर ऑफ Na प्लस कितना हो गया? Na प्लस तो मेरा एक बॉडी सेंटर पर है, सेंटर ऑफ द क्यूब 1, प्लस एज वाला पार्ट क्या लेते हैं? 12 × 1/4, ये हो गया आपका 4, नहीं ये 3 से कट गया,
और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका फोर। अब देखिए ये कहाँ है, फेस पर है, फेस पर है, फेस पर बना दीजिए, ईच फेस पर अपोजिट राइट हैंड साइड बैक हैंड साइड उधर इधर वाले फेस पर, और ईच कॉर्नर पर भी है, ईच कॉर्नर पर बना दिए, ईच कॉर्नर पर बना दिए नहीं। तो ये अब क्या हो गया, नंबर ऑफ सी एल माइनस आयन कितना हो गया, नंबर ऑफ सी एल माइनस हो गया 8 × 1/8, कॉर्नर वाला तो 1/8 पार्ट में, फेस वाला 6 × 1/2, ये भी हो गया आपका 4 ना। तो फार्मूला ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, फार्मूला ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा आपका, देखिए 4 Na+ आयन है 4, Cl- माइनस आयन है 4, तो ऐड करेंगे तो 4NaCl हो गया ना, फार्मूला ऑफ यूनिट सेल 4NaCl, ठीक है। अब देखिए जेड इसका जो होता है, इसका क्वाड्रेशन नंबर जब निकालेंगे, क्वाड्रेशन नंबर का चर्चा करेंगे, देखिए इसके सराउंडिंग में उधर साइड भी होगा दूसरे क्यूब का इसका पार्ट नहीं होगा, तो ये हो गया इधर वाला पार्ट 4, मान लीजिए इधर क्यूब है तो यहाँ पर भी होगा एक पॉइंट सेंटर ऑफ द, तो 4 एक अपर एक नीचे 6 से ये टच करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ये सब जानना पड़ेगा, ये सब हो गया आपका पॉइंट, ठीक है। ये तो आपको एकदम सब चीज़ में जानना है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कितना Na+ 6 हो गया, Na+ मेरा कहाँ है, सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी लीजिएगा तो हो ये जाएगा, और Cl- जो है ये भी आपका 6 हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। और इसका जेड इफेक्टिव जो होता है, नंबर ऑफ एटम कह सकते हैं जेड, ये होता है 4, ठीक है। इसका जेड इफेक्टिव जो है, जेड इफेक्टिव लिखिए या जेड लिख दीजिए, ये पॉइंट याद रखना है, ये सब पॉइंट हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पॉइंट इसमें सब में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया NaCl टाइप का। अब स्ट्रक्चर NaCl का हो चाहे LiCl का हो, ठीक है, LiCl का हो चाहे RbCl का हो चाहे AgCl का हो, ठीक है, AgBr का हो, NH4Cl का हो, ये सब का स्ट्रक्चर जो है ऐसा ही आएगा, NH4Br का भी है, NH4Br का, NH4I का, इसमें मतलब किसी का भी स्ट्रक्चर जो होगा इसी तरह होगा, केटायन हमेशा, केटायन जो होगा नंबर ऑफ केटायन 4, नंबर ऑफ एनायन 4, फार्मूला 4, फार्मूला यूनिट हो जाएगा, फार्मूला ऑफ यूनिट से 4NaCl और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और ये तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है AB टाइप, दिस फॉर्म इज कॉल्ड AB टाइप, ठीक है। तो ये AB टाइप मतलब सब AB इस तरह से है, तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर ऑफ NaCl हो, LiCl हो, RbCl हो, AgCl हो, AgBr हो, NH4Cl, NH4Br, NH4I, सबका स्ट्रक्चर यही होगा, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
ये आपको याद रखना है, एक सेंटर ऑफ द बॉडी होता है, इसके एज पर होता है और ये फेस सेंटर पे होता है। तो फेस सेंटर मतलब कॉर्नर एज वेल एज बॉडी, ये इसका मेन पॉइंट है, यहीं से सारा चीज़ आपका निकलता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये अब किसी भी टाइप का रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6:6 हो गया, जेड इफेक्टिव कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको जान लेना है। और रेडियस जो इसका निकलता है आर प्लस आर माइनस, आर प्लस प्लस आर माइनस जो निकलेगा ए बाय रूट टू होता है, ये तो पहले से जानते हैं नहीं, आर प्लस आर माइनस क्या होता है, ए बाय रूट टू होता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए स्ट्रक्चर ऑफ ए बी टाइप, ए बी टाइप का ये हुआ। ठीक है, तो ए बी टाइप में ये सब आएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ए बी टाइप में, बी पार्ट सी एस सी एल सी एस बी आर सी एस आई जो भी है उसमें थैलियम क्लोराइड थैलियम ब्रोमाइड थैलियम आयोडाइड थैलियम साइनाइड मतलब सी जी एम का और थैलियम का इसमें होता है। ठीक है, तो अब हम लोग लेते हैं सी एस सी एल का आपको यूज होगा ज़्यादा, सी एस सी एल। तो सी एस सी एल में क्या जानना है, सी एस जो है इसमें दो तरह का आयन है, सी एस प्लस और सी एल माइनस है नहीं। तो सी एस प्लस जो होता है बॉडी सेंटर पर होता है, बी सी सी होता है, और ये जो होता है आपका ये कॉर्नर पर होता है, कॉर्नर पर है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आसान हो गया, बी सी सी ही बना नहीं। मान लीजिए देखिए ये कहता है सी एस बी सी सी पर है, सी एस बीच में, सी एल आपका यहाँ है कॉर्नर पर, कॉर्नर पर है, कॉर्नर पर है। तो एक सी एस मान लीजिए, ये सी एस को हम लोग कलर्ड पॉइंट से ले लिए। ठीक है, तो सी एस एटम सी एस आयन कितना होगा, 1 हो जाएगा बॉडी पर सिर्फ है। सी एल कितना हो जाएगा, 8 × 1/8 हो जाएगा, यानी 1 हो गया। तो इसका फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगा, इसका जो है नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट सेल कितना हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट सेल हो गया आपका, पर यूनिट सेल हो गया ये सी एस का 1। और तो फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल क्या हो गया, फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, यूनिट सेल हो जाएगा सी एस सी एल ना, एक एक है तो सी एस प्लस सी एस माइनस सी एस सी एल बना दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ये सब पॉइंट याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी एस प्लस कितना हो जाएगा, देखिए इसके सराउंडिंग में 8 है, 8 उसी तरह सी एल एस सी एल माइनस के भी सराउंडिंग में होता है 8। ठीक है, इसका जेड इफेक्टिव जो होता है, जेड इफेक्टिव इधर लिखते हैं, जेड इफेक्टिव जो होता है 1 होता है। ठीक है, और याद रखिए आर केटायन प्लस आर एनायन जो होता है ए बाय रूट 3/2 ए होता है, रूट 3/2
टू ए होता है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी ईच सी एस माइनस सराउंडेड बाय एट सी एल माइनस एंड ईच सी एल माइनस सराउंडेड बाय एट सी एस प्लस, तब ना कोऑर्डिनेशन नंबर इतना है। तो ये तो आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है सी एस सी एल का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये हो गया सी एस सी एल टाइप सबका, ये क्या हो गया सी एस सी एल टाइप। अब तीसरा पढ़ेंगे जेड एन एस टाइप, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक ना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब इसके अंदर जो आता है, इसके अंदर आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा ए बी टाइप जेड एन एस जिंक ब्लेंड का, ये इसी का मेन जानना है, ये है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड है, इसको स्फेरेलाइट भी कहा जाता है, और स्फेरेलाइट, ठीक है। इस टाइप का क्या क्या है, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। इस टाइप में आएगा आपको CuCl का, CuCl इसी टाइप का स्ट्रक्चर होगा, CuBr का इसी टाइप का स्ट्रक्चर होगा, और CuI, AgI, नहीं AgI, यही सब इसका एक टाइप में आए ये सब, ठीक है। तब हम लोग लेते हैं ZnS, ZnS में दो तरह का आयन है, Zn++ और S माइनस माइनस, यही ना। तो इसका जो होता है हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में रहता है, ये सब याद रखा जाता है, ठीक है। ये जो होता है एफसीसी रहता है, ठीक है, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता था, टेट्राहेड्रल वॉइड होता था एट, तो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया फोर, तो नंबर ऑफ जेड एन प्लस कितना हो गया फोर, एफ सी सी है तो कितना होता था, नंबर ऑफ एस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये देखिए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, देखिए एट इंटू हाफ कर दीजिए तो ये हो गया फोर, ये हो जाएगा एफ सी सी कहाँ कहाँ है बॉडी पर, कॉर्नर पर एफ सी सी कहाँ होता है, कॉर्नर एज वेल एज कॉर्नर प्लस ईच फेस, नहीं तो कॉर्नर हो गया एट इंटू वन बाई एट प्लस ईच फेस सिक्स इंटू हाफ, तो ये भी हो गया फोर, नहीं तो इसका नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट क्या होगा, नंबर ऑफ फार्मूला ऑफ यूनिट सेल, फार्मूला ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, फार्मूला ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा क्या चीज, फोर जेड एन प्लस प्लस फोर एस माइनस माइनस, फोर जेड एन एस आ गया, नहीं आ गया फोर जेड एन एस आ गया, जेड इफेक्टिव जो होता है इसका, ये सब याद रखिएगा, ये भी जेड इफेक्टिव जो होता है इसका, ये होता है आपका फोर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जेड एन प्लस प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एस माइनस माइनस, ये दोनों कितना होता है फोर फोर होता है,
ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड स्ट्रक्चर ए बी टाइप में, थर्ड टाइप का ये कितना हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये सब होता है, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉयड एफ सी सी, ये सब याद रखा जाता है। तो ये सब टाइप में सबका यही है, जिसे सी यू सी एल देगा, मतलब कॉपर का हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉयड और सी एल का कॉर्नर प्लस फेस एफ सी सी हो जाएगा। सी यू बी आर दे, सी यू आई दे, सबका यही सब पॉइंट आएगा इसमें। ठीक है, क्लियर, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, ए बी टू टाइप, ए बी टू टाइप। तो ये इसके अंदर आएगा, ये सब जो है इसके अंदर आ जाएगा, सी ए एफ टू, बी ए एफ टू, बी ए सी एल टू, एस आर एफ टू, सबका मतलब एक ही टाइप का, सी ए एफ टू। ठीक है, सी ए एफ टू को हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड वे, सी ए एफ टू इज कॉल्ड फ्लोराइड, सी एफ टू इज कॉल्ड फ्लोराइड वे बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सी ए एफ टू में होता क्या है, सी ए एफ टू है यही है, इसमें दो तरह का आयन है, सी ए प्लस प्लस, और इसमें सी ए प्लस 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 टू एफ माइनस के फॉर्म में रहेगा रहेगा। तो सी ए प्लस प्लस जो होता है ये एफ सी सी को फॉलो करता है, एफ सी सी, और ये जो करता है टेट्राहेड्रल वॉइड, ये जो प्रेजेंट होता है टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सी ए प्लस प्लस है, तो ये देखिए किसे होगा इसका स्ट्रक्चर, ये तो है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, देखिए एफ सी सी है तो ईच फेस पर तो है ही, ईच फेस पर हम ले लिए पॉइंट, मान लीजिए कॉर्नरों पर होगा, देखिए अपोजिट फेस राइट हैंड बैक लेफ्ट हैंड बियॉन्ड फेस के तरफ, इतना हो गया एफ सी सी के लिए। टेट्राहेड्रल वायर जो होता है वो कॉर्नर से टच करता है, कॉर्नर से टच करता है, वो सबसे टच करेगा, उधर से इधर से ईच फेस से करता है, तो वो आठ हो जाता है। तो आपका सी ए कैल्शियम नंबर ऑफ क्या हो गया, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट सेल क्या होगा, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट सेल जो हो जाता है इसमें, ये तो क्लियर है कि सी ए प्लस प्लस कितना है, फेस सेंटर है, फेस सेंटर मतलब क्या हो गया, कॉर्नर प्लस ईच फेस, तो कॉर्नर है तो एट इंटू वन बाई एट, ईच फेस है तो सिक्स इंटू हाफ, ये हो गया आपका फोर। और एफ माइनस कहाँ कहाँ होगा, एफ माइनस देखिए एफ माइनस आपको यहाँ से बीच में रहता है, वो सब फेस को टच करेगा, ये इसको टच करेगा, तो आठ पॉइंट आ जाता है, ये होता है पर यूनिट में एट। अब देखिए सी ए हो गया मेरा फोर और F माइनस हो गया 8, तो फार्मूला ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, फार्मूला ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा, निकाल लेंगे इससे भी यूनिट सेल, सी ए एफ टू दुगुना है, ये हो जाएगा
CaF2 नहीं, तो क्वाड्रेशन नंबर इसमें भी जानना है। क्वाड्रेशन नंबर कितना होता है CA का? क्वाड्रेशन नंबर ऑफ CA प्लस क्वाड्रेशन नंबर ऑफ F माइनस। क्वाड्रेशन नंबर ऑफ CA प्लस जो है, CA प्लस मेरा कहाँ है? कॉर्नर पर है और ईच फेस पर है। तो ईच फेस पर है तो ये आपका क्वाड्रेशन नंबर इसमें हो जाएगा 8। ईच फेस पर उधर से भी टच करेगा तो ये हो जाएगा 8, और F माइनस जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, 8 कैल्शियम आयन सराउंडेड रहता है, 4 टेट्राहेड्रल वॉइड से, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड से, और फ्लोराइड आयन जो सराउंडेड रहता है वो 8 कैल्शियम आयन से सराउंडेड होता है। तो इसका 8:2 ये होता है, ठीक है। तो इसका जेड इफेक्टिव जो होता है, जेड इफेक्टिव इसका जो होता है, ये भी याद रखना है, जेड इफेक्टिव इसका 4 होता है। तो ये हम लोग पढ़ लिए Ab2 टाइप, इसको बोलते हैं फ्लोराइड। दूसरा होता है एंटी फ्लोराइड A2B टाइप, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब थर्ड टाइप पढ़ेंगे A2B टाइप आयनिक क्रिस्टल, सोडियम ऑक्साइड, इसको पढ़ा जाता है एंटी फ्लोराइड। तो एंटी फ्लोराइड में इसमें क्या है, इसमें है 2 सोडियम प्लस प्लस O माइनस माइनस में रहेगा, सोडियम ऑक्साइड इसी तरह रहेगा। तो सोडियम ऑक्साइड ये है, तो ये जो अभी उल्टा है, ये था पहले टेट्राहेड्रल वॉइड, ये हो जाएगा इस बार ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड पे ये हो जाएगा, और ये जो आपका ऑक्साइड आयन जो हो जाएगा उल्टा हो जाएगा FCC पर। इस बार उल्टा हो गया, खाली इसीलिए नाम इसका पड़ गया क्या चीज, एंटी फ्लोराइड। तो हम लोग देखवे किए थे कैसे निकालते थे, Na प्लस कितना हो जाएगा, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड पर है तो 8 हो जाएगा, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट सेल निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट सेल। तो उसका CaF2 का जस्ट रिवर्स है, तो Na प्लस ले लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, Na प्लस ऑल टेट्राहेड्रल पर है तो हो गया 8। O माइनस माइनस क्या है, ऑक्साइड आयन हो गया FCC मतलब 4 नहीं, फार्मूला ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, फार्मूला ऑफ यूनिट सेल तो Na प्लस आयन है 8, ऑक्साइड आयन है 4, यानी क्या हो जाएगा Na2O हो गया, नहीं हो गया Na2O हो गया। इसका इसका जेड इफेक्टिव जो होता है, क्वाड्रेशन नंबर ऑफ, क्वाड्रेशन नंबर उल्टा हो जाएगा इस बार, क्वाड्रेशन नंबर ऑफ Na प्लस क्वाड्रेशन नंबर ऑफ O माइनस माइनस, क्वाड्रेशन नंबर उसमें क्या था, क्वाड्रेशन नंबर इसमें क्या हो जाएगा Na प्लस का 4 नहीं, क्वाड्रेशन नंबर Na प्लस का क्या हो गया इसमें 4 नहीं, Na प्लस का हो जाएगा 8 नहीं, CaF2 में जो होता था कैल्शियम फ्लोराइड होता था,
कैल्शियम फ्लोराइड में क्या मिस्टेक तो नहीं हो गया था? एन ए प्लस हो गया आपका 8, ठीक है? नहीं, एन ए प्लस हो जाएगा इसमें 4 ऑक्साइड आयन, इसका 4 होगा, ठीक है था 4, और ऑक्साइड का हो जाएगा 8, क्वारनेशन नंबर। क्वारनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन मतलब ईच सोडियम आयन सराउंडेड बाय 4O-, ठीक है, एंड ईच ओ माइनस इज सराउंडेड बाय एट एन ए प्लस, ठीक है, इसका 4:8 होता था, उसका 8:4 होता था, ठीक है। जेड इफेक्टिव क्या होगा इसका भी? जेड इफेक्टिव इसका भी हो जाएगा 4। ये सब पॉइंट याद रखा जाता है, ठीक है। तो ए टू बी टाइप पर लिए हम लोग, इसका स्ट्रक्चर ले लीजिए, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम लोग परवोकाइट का पढ़ते हैं और रूटाइल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड या बेरियम टाइटेनियम ऑक्साइड का, बेरियम जो होता है कॉर्नर पर होता है, टाइटेनियम जो होता है बॉडी सेंटर होता है, ऑक्सीजन जो होता है ईच फेस पर होता है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। और ये जो होता है टाइटेनियम, इसमें जो है ये ऑक्साइड आयन है, और ये जो बनाए हैं ये है टाइटेनियम आयन, ठीक है। तो इस टाइटेनियम आयन ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय 6O- एंड ईच O- सराउंडेड बाय T4 है, ये 4 माइनस चार्ज है, T4 प्लस चार्ज है, ठीक है। तो टाइटेनियम आयन 3 ऑक्सीजन सराउंडेड, ऑक्सीजन जो होता है 3 गो टाइटेनियम आयन से सराउंडिंग में रहता है, और ऑक्सीजन टाइटेनियम आयन 6 ऑक्सीजन आयन के सराउंडिंग में होता है, ठीक है। ये रूट आइड हो गया, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब हम लोग देखते हैं आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर में स्पिनल स्ट्रक्चर। स्पिनल किसको बोलते हैं? तो आयनिक सॉलिड इन विच मोर देन टू टाइप्स ऑफ आयन आर प्रेजेंट, टू टाइप्स ऑफ केटायन एंड वन ऑक्साइड आयन। देखिए टू टाइप्स केटायन, ए और बी केटायन हुआ, ऑक्साइड आयन हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग स्पिनल स्ट्रक्चर। स्पिनल स्ट्रक्चर एक नॉर्मल स्पिनल होता है, एक इन्वर्स स्पिनल स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मल स्पिनल स्ट्रक्चर में डाइवेलेंट केटायन जो है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड है, बी टू जो होता है मतलब ट्राइवेलेंट ये होता है हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइड, और ऑक्साइड आयन जो होता है FCC होता है, ठीक है, ये याद रखना है। इन्वर्स स्पिनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? डाइवेलेंट 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, लेकिन ट्राइवेलेंट जो होता है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है। और इसमें भी ऑक्साइड जो है FCC स्ट्रक्चर होता है। तो यही है आपका स्पिनल स्ट्रक्चर, ये सब इसके अंदर आएगा, ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोरंडम स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कोरंडम स्ट्रक्चर में क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है इसका Al2O3, मतलब ये ट्राइवेलेंट है, ये डाइवेलेंट तो है ही, तो Fe2O3 Al2O3 Al2O3 Cr2O3 इसके अंदर आता है एग्जांपल में। ये जो A होता है मतलब Fe Al
सी आर, ये जो होता है 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये होता है एस सी पी। तो एस सी पी में नंबर ऑफ पॉइंट कितना होता है, नंबर ऑफ एटम इसमें होता है 6, नंबर ऑफ एटम्स होता है इसमें 6। तो ये 6 एटम, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 6, 2/3 6 का निकाल लेंगे, तो 6 का 2/3 कितना हो गया 4। वो हो गया, जैसे मान लीजिए Fe2O3 दिया, Fe2O3, तो ये कहेगा ऑक्टाहेड्रल, ये है HCP, तो ऑक्साइड आयन हो गया HCP यानी 6। ये कहेगा 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो Fe हो गया 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ये हो गया 3 2। तो Fe3 प्लस आयन कितना हो गया, Fe3 प्लस आयन हो गया 4, O माइनस हो गया 6, 2 को मन ले लीजिए, तो ये हो गया Fe3 प्लस आयन हो गया 2, O माइनस माइनस आयन हो गया 3, इसलिए हो गया Fe2O3। यही हो जाता है, ये आपको कंडीशन दिया रहेगा 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड और HCP पैकिंग, ठीक है, ये सब देता है जनरली, ठीक है। इस तरह से हम लोग इनऑर्गेनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर देख लिए, ठीक है। इसी तरह आपका आयरन ऑक्साइड के भी सॉलिड में होता है, ठीक है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए आयरन का 3 ऑक्साइड बनता है, आयरन फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड के केस में क्या होता है, ऑल आयरन जो होता है ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड पे रहता है, ऑक्साइड जो होता है CCP पैकिंग, तो 12 ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ एटम होता है 12, तो ये हो गया आपका 4 4 4, तो ये 4 4 कैंसिल, CCP में 4 पॉइंट होता है, ये हो गया आपका FeO स्ट्रक्चर। ये HCP पैकिंग होता है, 6 हो गया, ये 4 6, इधर भी हो गया आपका 6, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो ये हो जाएगा आपका Fe2O3। उसमें दो तरह का Fe3O4 कैसे बनता है, Fe O प्लस Fe2O3 मिला करके, तो ये Fe जो रहता है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ये दोनों रहता है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो CCP पैकिंग में है। CCP पैकिंग में मतलब 4 हो गया, ये ऑक्साइड आयन हो गया 4, देखिए 4, ये हो गया 1/8 ऑफ 3 प्लस आयन क्या हो गया 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 1/8 × 8 प्लस 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4, और Fe2 क्या हो गया, ये हो जाएगा 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 8, यही कट करके हो गया Fe2 प्लस Fe3 प्लस और O माइनस माइनस 4, 1 2 4, इसी को लिख देते हैं Fe, ये है Fe2 है, ठीक है, यहाँ Fe2 है, इस तरह से बना रहता है सब। अब शायद समझ गए होंगे सब, सब में तो उसी तरह लेते हैं जितना रहता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसी को हम लोग लिख सकते हैं फिर क्या चीज़, इक्वल टू Fe2 प्लस फॉर्म में है, Fe2 3 प्लस फॉर्म में है, O4 माइनस माइनस फॉर्म में, तो ये जस्ट लाइक स्पिनल स्ट्रक्चर की तरह है, नहीं तो इसमें और एग्जाम्पल वही सब हो जाएगा, MgZn वाला सब, ठीक है। इस तरह से हम लोग पढ़ लिए आयरन का भी ऑक्साइड, जितना आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर पॉसिबल है लगभग हम लोग सब पढ़ लिए, ठीक है। तो इसी बेस पर ये सब मेडिकल IIT में क्वेश्चन देते रहता है, तो इसको आप लोग केयरफुल्ली थोड़ा देख लीजिएगा, कहीं इस पर क्वेश्चन बार बार पूछता है, जो नहीं पढ़ना है आपके NCERT में भी ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आता है,
इसको आप लोग केयरफुल होकर के देखेंगे। आईआईटी और मेडिकल में ही जनरली ये पूछा जाता है, ट्वेल्थ में ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, अपने फ्रेंड को लिंक भेज देंगे। थैंक यू।